रिपोर्टें आ गई जो सुबह जांच हुई थी उसकी, टाइफाइड निकला है। आपको तो ये तो पता ही होगा कि पापा आर्मी में थे, तो अभी मम्मी को यहाँ पर जो आर्मी वाला हॉस्पिटल है ECHS वहीं पर दिखाने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। सुबह के 6:10 हो रहे हैं, उर्वशी लगभग 2:30 के आसपास आज जग गई थी, 3:30 से वो जगी रही हैं और मैं 4 के आसपास जग गया था। फिर मुझे नींद ही नहीं आई, 1 लेट आ रहा। 5 से फिर मैंने अपना डेली रूटीन का काम करना शुरू कर दिया, यानी कि मैंने ओट्स वगैरह भी तैयार कर लिए हैं और सुबह का सब काम अपना कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, मतलब जिम वाले रूम में एक्सरसाइज करने के लिए। ये रखे ओट्स, शूज वगैरह मैंने पहन लिए थे। तो दोस्तों 7:30 हो चुके हैं और टी शर्ट को जैसे ही आप देख सकते हैं पसीना पसीना हो गई है। वैसे मैंने टी शर्ट अभी पहनी है, उतार दी थी, तो इस वजह से ज़्यादा टी शर्ट में पसीना नज़र नहीं आ रहा होगा। रनिंग वगैरह भी मेरी हो गई है और एक्सरसाइज के जितने भी राउंड लगने थे सभी कम्प्लीट हो गए। और हाँ, आज से मैंने एक काम और शुरू किया है, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। मतलब वैसे अकेला मैं ही मेम्बर हूँ और कोई मेम्बर नहीं जोड़ा मैंने उसमें। उसमें मैं क्या डेली जो भी मतलब एक्सरसाइज नहीं डेली की अपनी एक फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ जिम करने के बाद टी शर्ट उतार के, तो उस पर डालता हूँ। और जब जैसे अपना मतलब 1-2 या फिर 3 कंप्लीट हो जाएंगे, जब मुझे लगेगा हाँ अब बॉडी का फैट कम हो चुका है और मेरा वेट मतलब सही हो चुका है, तो उसके बाद एक उसकी रील बनाऊंगा मैं मतलब पूरी जर्नी की, ताकि बाद में मैं भी मोटिवेट हो सकूँ कि मैंने ऐसे ऐसे वजन कम किया था, और अगर कोई और देखे तो वो भी मोटिवेट हो सके। और मुझे लग रहा है चलना चाहिए, लेट हो जाऊँगा नहीं तो मैं। तो भैया अभी 8:40 हो रहे हैं और उर्वशी को निकलना है भाई 9:30 के आसपास, डेली वाली बस है। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है, परसों फीवर आ गया था दोपहर में, कल भी फीवर रहा और आज भी मतलब बॉडी में दर्द भी हो रहा है। तो 2 तो वैसी दवाई चलाई थी, क्या है परिचित वाले डॉक्टर हैं अपने, तो उन्होंने बोल दिया कि अभी ऐसे ही चलाओ, जो ज़्यादातर वायरल चल रहा है, लेकिन कुछ आराम ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं। तो आज चेकअप करने के लिए भैया आ गए हैं, मतलब यहाँ से ब्लड सैंपल लेने के लिए। जब तक ब्लड सैंपल लिया तब तक ये देखो कहाँ चढ़ गया बैठ गया। कुर्सी कहीं भी हो अपने आप खिसका लेगा यहाँ और चढ़ जाएगा, इससे टेबल पे चढ़ जाएगा और टेबल से ले लियो। काय शीशे मेरे सब हटा दिए, देखो कैसे बटने दबा रहा है पैर से। चुंगी पे एक काम था तो उर्वशी को भी मैं छोड़ने के लिए मतलब बस पे बैठाने के लिए यहीं पे ले आया था। सामने एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, MGS ग्राउंड में 6:00 से प्रभु की इच्छा तक। तो इस बार मैं तो जाऊँगा यहाँ, वैसे 1-2 और प्रोग्राम हो चुका, शायद ज़्यादा बार हो चुका हो, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाया। कोशिश करूँगा, कहीं निकल गया तो कह नहीं सकते। और हाँ, अभी 9:50 हो चुके हैं, आज बस थोड़ी सी लेट है, वैसे 9:30 तक आ जाती है, आ जाएगी वही लगभग 10:05 तक। आ गई बस, ट्रक के पीछे ही है, इधर रुकेगी, इधर रिपोर्टें आ गई जो सुबह जांच हुई थी उसकी, टाइफाइड निकला है। तो आपको तो ये तो पता ही होगा कि पापा आर्मी में थे, तो अभी मम्मी को यहाँ पर जो आर्मी वाला हॉस्पिटल है ECHS वहीं पर दिखाने जा रहे हैं, और अगर रेफर बन पाएगा, वैसे बन जाएगा, तो गाड़ियाँ ले जाएंगे, क्योंकि शुगर वगैरह भी है, BP वगैरह भी है। तो ये मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ मम्मी को लेके जाने के लिए, 1-1.5 महीना बाद चलेगी, देखो कितनी गंदगी लगी इस पर। वो क्या आर्मी हॉस्पिटल का फर्स्ट टाइम है, शायद 3-4 बंद हो जाएगा। बताओ, हम पकड़े बैठे रहेंगे। हमके दोस्तों अभी 6 बज रहे हैं और मैंने बना लिया है अभी किनुआ, वही मैंने आपको बताया था ना, शायद कल नहीं परसों बताया था मैंने आपको, परसों वाले ब्लॉग में, कि कितना पैकेट में बचा हुआ था, कहाँ से आया पैकेट मेरे पास। नमक कम रहा है, मिर्च मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गई है। एकदम क्या, मैंने वीडियो देख के बनाया था,
इस बार कई सारी चीज़ें मैं भूल गया हूँ, हो सकता है मुझे याद ही नहीं मसाले में क्या क्या डालना था, मैंने तो अपनी मर्जी से डाल दिया इस बार। तो ये रात को तो मैं सो गया था, ऐसी ब्लॉग एंड भी नहीं किया, और अभी मैं निकल रहा हूँ ग्वालियर के लिए। अभी आप पीछे देख सकते हैं 7:53 हो रहे हैं। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आज का कैसा अपना दिन बीतेगा वो तो आप अगले ब्लॉग में ही देखेंगे। अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, चैनल पहली बार सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए।